Hi friends, let us understand about figures of speech. The next part, it means the part 4. तो हम figures of speech सीख रहे हैं. Figures of speech के अंतर्गत आज बढ़ते क्रम में हम सीख लेते हैं hyperbole और oxymoron के बारे में. ठीक है, तो बिल्कुल सरल तरीके में सीखेंगे. और figures of speech अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी पोट्री के अंतर्गत उसकी काव्य की शोभा बढ़ाने में. तो फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 4 है, देख लेते हैं. हाइपरबली, हाइपरबली क्या होता है, जिसका मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना या किसी बात को बहुत छोटा कर देना. इस हिसाब पे हाइपरबली फिगर्स ऑफ स्पीच काम करता है. तो देखते हैं, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड. इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस फिगर्स ऑफ स्पीच में जो थिंग्स होती हैं, जो बातें होती हैं, आर रिप्रेजेंटेड, उनको दर्शाया जाता है एज ग्रेटर, बहुत बढ़ा चढ़ा करके, और लेस, या बहुत कम करके, है ना, बेटर और वर्स, या तो उनको बहुत अच्छा बताया जाएगा दूसरी वस्तु से अच्छा बताया जाएगा, और वर्स या तो घटिया बताया जाएगा, देन दे रियली आर, जो वास्तव में वो वस्तुएं हैं, वो बातें हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस. अब आप देखेंगे, 10,000, 10,000 सा देखा आई मैंने एट ए ग्लांस, मतलब एक दृष्टि में मैंने 10,000 फूलों को देखा. यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ की कविता है डेफोडिल्स, तो यहाँ पे डेफोडिल्स के जो फ्लावर हैं, तो यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि मैंने एक दृष्टि में 10,000 डेफोडिल्स के फूलों को देखा, जो अपने आप में अतिशयोक्ति है कि 10 इतनी बड़ी संख्या में कैसे हो सकता है. तो ये एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है. ठीक है, अगला देखते हैं. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ये वर्ड्स विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजडी है जिसको मैकबेथ बोलते हैं. तो मैकबेथ में ही ये लाइन ली गई है. तो यहाँ बताया गया है कि जब जो मैकबेथ होता है वो डंकन का मर्डर कर देता है, तो उसके हाथ में ब्लड लग जाता है, तब उसकी पत्नी जो लेडी मैकबेथ होती है वो बताती है कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबिया, मतलब अरब देश का पूरा परफ्यूम है, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. कहने का तात्पर्य है, इस अरब देश का पूरे जो परफ्यूम है वो भी अगर डाल दिया जाए इस हाथ पे, तब भी इस हाथ की जो ब्लड की बदबू है वो दूर नहीं हो सकती. तो यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबली है. और आगे देखते हैं, रिवर्स ऑफ फ्लड, ब्लड फ्लड इन द बैटल, मान लें कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई. तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, खून की नदियाँ कैसे बह सकती हैं. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड फैल गया. तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि खून की नदियाँ बह गई, कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा रक्त पृथ्वी पे फैल गया है ना. आगे देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम एट. आगे क्या बता रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम एट, मैंने उसे युगों से नहीं देखा है. ये तो बात सही है कि मैंने बहुत लंबे समय से उसको नहीं देखा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैंने उसको युगों से नहीं देखा, तो युगों की बात जो हो रही है वो तो गलत ही है एक तरीके के, क्योंकि ये युग तक कौन जिंदा रह सकता है. तो यहाँ पर भी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है. आगे देखते हैं, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, मतलब जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो इतनी प्रबल थी, रोल्ड कर दिया, हाँ, माउंटेन हाई, जो माउंटेन है उसको बहुत ऊंचा कर दिया. किसने, लहरों ने माउंटेन को एकदम ऊंचा बना दिया, इतनी लहरों में शक्ति थी. कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है. आगे देखते हैं, सी सैड ऑन ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई, उसके इतने आंसू निकले कि समुद्र, उसके आंसुओं से समुद्र बन गया, भर गया. सी सैड ऑन ओशन ऑफ टीयर्स, उसके आंसू से समुद्र भर गया. तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा वो रोई, और यही है हाइपरबोली, है ना. तो अगला देखते हैं, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, मतलब बेलिंडा नाम की एक नायिका है,
अलेक्जेंडर पॉप की कविता में, तो वहाँ पे ये बताया गया कि बेलिंडा जो है वो इतनी खूबसूरत है, वो हंसती है तो पूरा संसार ही हंसने लगता है। यहाँ पे ये बात बताई गई है, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा के स्माइल से ही पूरा संसार प्रसन्न हो सकता है, हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आगे देते हैं, दे बेल द नेशंस पिलर्स डी, उन्होंने अपने राष्ट्र के जो पिलर हैं बहुत गहरे से लगाए हैं, एंड लेफ्ट देम टू द स्काई, और उनको आसमान तक ऊंचा उठा दिया है। तो ऐसा कितना भी पिलर ऊंचा हो जाए लेकिन आसमान तक तो कोई नहीं उठा सकता है। तो यही है अतिशयोक्ति अलंकार, शायद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। और इसके बाद अगला हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है, और आप इसको जान करके आप किसी भी परीक्षा में फाइट कर सकते हैं, चाहे वो अकेडमिक परीक्षा हो चाहे कंपटीशन स्तर की परीक्षा हो। आप हर परीक्षा में ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप इनसे बच नहीं सकते, है ना। तो अगला सिक्स नंबर देखते हैं ऑक्सीमोरॉन, और ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। यहाँ पे विरोधी भाव होते हैं। क्या कहता है ये फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में कंट्राडिक्टरी क्वालिटी माने विरोधाभासी जो गुण होते हैं आर प्रेडिक्टेड, उनको बताया जाता है एट वंस ऑफ द सेम थिंग्स, एट वंस एक बार में, ऑफ द सेम थिंग्स उन वस्तुओं में उन बातों में एक बार में बताया जाता है। अब देखते हैं कैसे, एंड हैविंग नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है, ही है ता, लेकिन फिर भी वो बहुत सब कुछ रखते हैं, ये बात है ना। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी उनके पास नहीं है, ही है आल, लेकिन वो सब कुछ रखता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे नथिंग की बात हो रही है और यहाँ पे क्या बता रहा है, आल की बात हो रही है। तो ये है ऑक्सीमोरॉन। आगे देखते हैं, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। अब आप देखेंगे कनिंगली जो कि चालाक होता है, और यहाँ सिंपल की बात बताई जा रही है, तो चालाक भी है और सहज भी है, सरल भी है। तो यहाँ पे दो विरोधी गुण मिल रहे हैं। और आगे देखते हैं, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये इसका लार्क है शैली की कविता से लिया गया है। तो अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे सबसे मधुरतम गीत वही हैं, आर दोज वे हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्वीटेस्ट की बात की गई है और यहाँ पे सैडेस्ट की बात की गई है, मधुरतम और दुख भरे, तो ये दो विरोधी गुण मिल गए हैं। और आगे देखते हैं, डेथ इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखो ओपन क्या है, खुला हुआ, सीक्रेट क्या है, रहस्यमयी, दो बातें, दो विरोधी गुण एक साथ बताए जा रहे हैं। तो मृत्यु है वो क्या है, एक प्रकार का खुला हुआ रहस्य है, है ना। आगे देखते हैं, लव गिव्स ए प्लेजिंग पेन। अब आप देखेंगे, प्यार जो है वो देता है, क्या देता है, एक सुखद दर्द देता है, अच्छा लगने वाला दर्द देता है। तो यहाँ पे प्लेजिंग की बात सुखद, और पेन का मतलब कस्टमाइज, तो यहाँ पे प्लेजिंग हो गया और पेन हो गया, तो यहाँ पे दो विरोधी गुण मिल रहे हैं। अगला देते हैं, सी एक्सेप्टेड द काइंड ऑफ द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जेंसिस नाइफ। तो सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया द काइंड क्रुएल्टी, काइंड क्रुएल्टी देख लेते हैं, काइंड माने दयालु, क्रुएल्टी माने निर्दयता। अब यहाँ पे दो विरोधी गुण मिल रहे हैं कि उसने स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया, द काइंड क्रुएल्टी, कोमल क्रूरता ऑफ द सर्जेंसिस नाइफ। अगर सर्जन है वो पहले क्रूअल होगा, इसके पहले वो क्रूअल होता फिर काइंड होता है, पहले वो मरीज को अगर वो ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो पहले उसको क्रूअल होना पड़ेगा, एकदम निर्दयी होना पड़ेगा डॉक्टर को, और इसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसके प्रति काइंड हो जाएगा, है ना। तो यही क्रूअल काइंड होता है, तो काइंड क्रूअल, काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जेंसिस नाइफ, ठीक है, डॉक्टर के चाकू से। आगे देखते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट। अब लाइफ क्या है, जीवन एक कड़वा सत्य है, लाइफ इज बिटर, बिटर स्वीट, तो बिटर भी लाइफ कैसी है, बिटर है और इसके बाद स्वीट है, तो बिटर और स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। तो ये जो दो विरोधी गुण मिल रहे हैं, एक ऑक्सीमोरॉन है। आगे देखते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है, वह नियमित रूप से अनियमित है, इसका मतलब हो जाएगा ही इज रेगुलरली इरेगुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा नियमित, यहाँ पे अनियमित, तो यहाँ पे दो विरोधी गुण मिल रहे हैं। और आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका अगला वाला जो पार्ट आएगा वो आपको
ओनोमेटोपिया के बारे में बताएंगे और आप बताएंगे कमेंट करके, तो उस अन्य जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनकी भी चर्चा होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।